दस थर्मस, दस दवा, खिलौना है लेकिन खेलने का जगह नहीं है। बच्चा लोग को यहाँ पढ़ाने में, सामान वहाँ रखने में, खेलने में बच्चा लोग को बहुत दिक्कत होता है। आंगनबाड़ी अगर मेरा अधूरा है भी बन जाता तो वहाँ पढ़ाने में, बच्चा लोग को खेलने में दिक्कत नहीं होता। धनबाद जिला बागमारा प्रखंड सिंगड़ा पंचायत के अंतर्गत सिंगड़ा गांव में सम विकास योजना के तहत आंगनबाड़ी भवन बन रहा था, जो विभागीय लापरवाही के कारण पिछले 10 वर्षों से अधूरा पड़ा है, जिसके कारण सेविका कलावती देवी किराए के मकान पर केंद्र चला रही है, जहां बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास नहीं हो पा रहा है। 30 बच्चों के साथ साथ सेविका और सहायिका को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कितना दिन से अधूरा है? आज लगभग 10 साल हो गया। क्यों है अधूरा? फंड में पैसा बोल रहे हैं, मैडम से सबसे हम लोग बात किए तो बोल रहे हैं पैसा फंड में नहीं है। कितना का फंड था? 2,86,000। इसमें से कितना बाकी है अभी? लगभग 1,00,000 बाकी है। आप लोग फिर दोबारा कभी मांग किए थे? हाँ, दोबारा गए थे एक बार तो बोला कि अभी फंड नहीं आया है, तो हम लोग बोले थे कम से कम फंड नहीं आया तो जो सीमेंट हमसे आप लोग लगवाए थे ड्राफ्ट, वो सीमेंट भी हम लोग को दे दीजिएगा तो हम लोग रूम को ढलाई पूर्ण कर देंगे, उसके बाद जैसा होगा आगे फंड आएगा तो दरवाज़ा लगाया जाएगा। लेकिन उसके बाद ना सीमेंट भी मिला और ना फंड ही आया इस योजना में। अभी यदि काम चालू करें तो इस्टीमेट को कुछ रिवाइज करके यदि दिया जाए इसमें फंड, तो योजना पूर्ण हो जाएगा। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि इस आंगनबाड़ी में हरिजन बच्चे पढ़ते हैं और उनकी तकलीफों को देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं आप सभी वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों से यह अपील करती हूं कि आप जिला समाज कल्याण पदाधिकारी धनबाद के MD परवेज इब्राहिम को संपर्क नंबर 94 71 1919 पर फ़ोन करके इस समस्या की जानकारी दें, ताकि अधूरा आंगनबाड़ी भवन जल्द से जल्द पूरा हो और बच्चों को पढ़ने में सहूलियत हो। मैं भारती, झारखंड के धनबाद जिले से, इंडिया अनहट के लिए।